hello and welcome to my another video in motivational stack with ss friend again i'm taking the interest topic for you so today i'm discussing about this brain drain basically brain means mind draining means you know to, to flowing one to another place flow flowing So, brain is flowing from our country to another country, from here to there. So basically, brain drain is especially stand for inner country. There are lot of brains, lot of minds in here, but unfortunately, by lot of reasons. They are draining to another country in there they are showing their talent. So basically, we are also losing our brain, intelligent brain from our country. So here have requires to stop it all. If we have more brain, then definitely our country will be developed fastly. A intelligent person's a brain is required each and everywhere in all the field. so friend, brain drain is very serious issue in our country. for to originating this problem, there are a lot of reasons which i am just discussing in my class. so friend, basically the brain and drain, brain drain means just flowing our indians' mind to another country, they are performing well enough there. In front of us, our brain is going abroad. This topic I just elaborate in my video, Accordingly structures Way, which already I briefed you in my previous video. So each and every topic you just keep in that structures way, you will not be forget it all. For your better remembrance, you always get all the information quickly. इंट्रोडक्शन वी विल गिव द बेटर इंट्रोडक्शन हेयर देन आफ्टर रीजन सो फ्रेंड टू ऑरिजिनेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर आर लॉट ऑफ रीजन बे हैं क्या कारण हुए हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं टैलेंटेड लोग हैं जिनके अंदर अच्छा ब्रेन है अच्छा माइंड है इंटेलिजेंस है बहुत कुछ कर सकते हैं वो बाहर विदेशों में जा रहे हैं बाहर रह के काम कर रहे हैं क्या कारण है देर आर लॉट ऑफ रीजन्स विच वी आर डिस्कसिंग इन आवर टॉपिक सो इसके बाद मैं रखूँगा इफेक्ट इस ब्रेन ड्रेन का क्या इफेक्ट हमारे देश में पड़ेगा क्या एक इंडिविजुअल्स को पड़ेगा विकास तो नहीं होगा टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं रहेगी और इसके बावजूद अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं मिल पाएगी महंगाई हो जाएगी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं मिल पाएगी ये सारे इफेक्ट तो हैं ही विच लेटर आई विल डिस्कस अबाउट इट ऑल एंड देन उसको हमने हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसको रोकने का सॉल्यूशंस क्या है बाय गवर्नमेंट एंड By इंडिविजुअल्स by individually, इसको ब्रेन ट्रेन को रोकने के क्या सॉल्यूशंस हैं और उसके बाद हम एक बेहतर कंक्लूजन इसमें देंगे जो हम अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे सो फ्रेंड नाउ आई एम टेकिंग द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शंस यू एलोब्रेड इट ऑल अबाउट दिस

उसके बाद अगर मैं रीज़न की बात करूं, देखो ब्रेन ट्रेन होने के देर आर लॉट ऑफ रीज़न्स अगर मैं डिस्कस करूं रीज़न की जिसके पास ब्रेन होगा वो टैलेंटेड होगा इंटेलिजेंस होगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छी खासी इनकम ले रहा होगा या अगर वो बाहर जा रहा है तो उसको यानी कि उसकी पे एंड पर्क पेन पर्क लेस देन एब्रॉड पेन पर्क उसको हिंदुस्तान के अंदर कम मिल रही होगी कंपेयर टू अदर कंट्री दैट्स वाई और ब्रेन आर ड्रेनिंग्स टू अदर कंट्री ये एक रीज़न होगा इसके बाद पे एंड पर्क वाई एम टॉकिंग पे मतलब बाहर हमको ज़्यादा पेमेंट मिलती है पर्क वहाँ पे एक जीने का लाइफ स्टाइल अच्छा बेहतर मिलता है इन कंपेयर टू अवर कंट्री अब कैसे मैं बताऊँगा आपको गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर लॉट ऑफ रूल रेगुलेशंस ज़्यादा क्रिएशन रूल रेगुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड हैं वो एक फ्रीली लाइफ फ्रीडम लाइफ जीने में दिक्कत फ्रीडम लाइफ को बाहर अच्छी तरीके से जो इंटेलिजेंस लोग हैं वो जी पाते हैं इसलिए वो बाहर जाते हैं यहाँ पे बहुत सारी ने हैं रूल रेगुलेशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं अगर मैं बात करूँ दुबई की वहाँ की पुलिसिंग बेहतर पुलिसिंग है बेहतर जुडिशरी है इसका बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है आपके पास टैलेंट है पैसे हैं लेकिन आप एक सिक्योर फील नहीं कर रहे हो सिक्योरिटी फ़ील नहीं कर रहे हो बाई पुलिसिंग एंड जुडिशरी तो आप जाहिर सी बात है ऐसी दुबई जैसी कंट्री में जहाँ पे उसकी पुलिसिंग और जुडिशरी बहुत बेहतर स्मूथ है तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं अभी यहाँ पे जाहिर सी बात है जो टैलेंटेड होगा वो अच्छी खासी पेमेंट ले रहा होगा और उसको अच्छी खासी लाइफ स्टाइल चाहिए जो लाइफ स्टाइल इंडिया के अंदर नहीं मिल पा रही होगी तभी वो बाहर जा रहा होगा अब यहां पे क्या दिक्कत है गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है अगर सपोज दैट मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने के लिए घंटू लाइन में लगना पड़ता है और महीनों लग जाते हैं ऐसी प्रोसेस को करने में जबकि एक ये छोटे से बेसिक डॉक्यूमेंट हैं तो इसके लिए महीनों चाहिए और न जाने कितनी देर आपको लाइन में लगना पड़ता है घंटों लाइन में लगना पड़ता है बेसिकली दिस काइंड ऑफ द एजुकेटेड दोज आर अर्निंग गुड वन मनी दे आर नॉट जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम इन दैट एक्टिविटी अगर मैं बैंकिंग की बात करूं सेम द पीपल आर स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग क्यू फॉर द हावर्स एंड ऑल्सो बैंक जस्ट डूइंग ए लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज विच इज़ दी वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो डिस्टर्बेंस टू कस्टमर सो ये भी एक कहीं न कहीं समस्या है जो हमारे ब्रेन जो हैं वो ड्रेन हो रहे हैं विदेशों में अब यहाँ पर गवर्नमेंट के क्या हैं पता नहीं चलेगा कब आपको ई डी का छापा पड़ गया या ईडी आल्सो डिस्टर्बिंग ईडी आल्सो कैन डिस्टर्ब टू यू आस्किन द लॉट ऑफ क्वेश्चन इफ यू आर अर्निंग द मोर मनी एक फ्रीडम नहीं है देना है जितना टैक्स प्रोसेस जो है वो टैक्स जो भी है इन कंट्रियों में एक बार जो देना है दो उसके बाद देन यू कैन जस्ट इंजॉय योर लाइफ नो बडी विल डिस्टर्ब टू यू नो एनी गवर्नमेंट एजेंसी नो डिपार्टमेंट विल डिस्टर्ब यू लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा है जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी जो अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं अच्छी खासी पेमेंट लेते हैं किसी भी सेक्टर में जाके चाहे वो आईटी का हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो मैकेनिकल सेक्टर हो सो वो लोग इसीलिए वहाँ जाते हैं सो so, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं विच आई एम जस्ट टेलिंग हियर आप अपने क्षेत्र में या अपने शहर में अच्छे डॉक्टर हैं इंजीनियर इंजीनियर हैं आईटी में काम करते हैं मैकेनिकल में काम करते हैं आप इन सेक्टर के अलावा और भी जगह कहीं पे काम करते हैं और आप एक अच्छी खासी इनकम है आपकी अच्छी खासी इनकम है तो अब यहाँ पे एक प्रेशर ये भी है यहाँ ईडी का खतरा तो है ही बैंक एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आर आल्सो आस्किंग द लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर दैट व्हेन विल कम टू यू ये लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे सो अगेन दे विल सफ़र दी प्रॉब्लम बाय दी पॉलिटिशियंस या थर्ड पार्टी सो ऐसी भी समस्याएं ये पढ़े लिखे लोग जो टैलेंटेड होते हैं जिनके अंदर स्किल्ड होता है जिसके अंदर स्किल होती है वो लोग क्या आते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी लाइफ शांतिपूर्व जीने के लिए बाहर भी जाते हैं इसके अलावा बाहर जाने के कारण इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिसेस है दीज आर लेस देन एब्रॉड सो कहने का मतलब बाहर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू इंडिया में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विदेश के अंदर बहुत अधिक हैं कंपेयर टू अवर कंट्री सो so, ये भी कहीं ना कहीं जाने के उनको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है बाहर अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बहुत अधिक है महंगाई भी नहीं है बाहर कम है कंपेयर टू आवर कंट्री क्राइम क्राइम हमारे देश में बहुत अधिक है ऐसे जो पढ़े लिखे टैलेंटेड जो अच्छी पेमेंट लेते हैं वो डरते हैं वहां पे फ्रीनेस है फ्रीडम है फ्रीडम बोला तो इन आवर कंट्री देर आर लॉट ऑफ गुंडा टाइप जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर बट इन द फॉरेन देर आर स्टिक्स रूल एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट पुलिसिंग स्ट्रिक्ट जुडिशरी द क्रिमिनल्स रेकॉर्ड्स आर इवन नाट थिंक अबाउट टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी लेकिन हमारे यहाँ पुलिसिंग भी पोअर है जुडिशरी पोअर है तो ये सारे रीज़न भी कहीं न कहीं पढ़े लिखे इंटेलिजेंस लोग जो अच्छी खासी पेमेंट लेते हैं वो बाहर जीना पसंद करते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री कहीं न कहीं ये क्राइम इन्फ्लेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसस फ्रीडम कम होना पुलिसिंग पुअर जुडिशरी पुअर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक कारण है इन ब्रेन को ड्रेन होने के लिए देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री फॉर टू ड्रेनिंग आवर माइंड्स अब मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी की बात करूँ हमारे देश के अंदर रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं रूल रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हैं जो एक वेस्ट ऑफ टाइम है दिस काइंड ऑफ पीपल्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब देयर टाइम एंड पीस इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी सो इसलिए वो बाहर जाके रिलैक्स जीना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की इनकम टैक्स देना है उसके देने के बाद दे आर जस्ट बींग द रिलैक्स एंड एन्जॉय देयर लाइफ बट यहाँ डिस्टर्बेंस चलते रहता है डॉक्यूमेंटेशंस फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं जो हमारे देश के अंदर कोई भी प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वेस्ट ऑफ टाइम है पेपरलेस नहीं है पेपरलेस एक नाम मात्र है पेपर और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं जिस वजह से भी हमारे जो ब्रेन हैं वो ड्रेनिंग टू एब्रॉड सो so, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी रख सकते हो कहीं पे भी आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे भी जी सकते हो लेकिन हमारे देश के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं जैसे हम बात करते हैं अगर मैं सपोज़ डेट फैशन की बात करूं, एक पढ़ा लिखा जो अच्छे खासी पेमेंट ले रहा होगा किसी भी सेक्टर के अंदर टैलेंटेड होगा तो जाहिर सी बात है उसका फ़ैशन या उसके परिवार का फैशन स्टैंडर्ड ही विल ऑलवेज़ कीपिंग अप तो उसमें क्या है वहाँ पे वो किसी भी टाइप की फैशंस को फॉलो कर सकते हैं इवन दीज काइंड ऑफ पीपल आर ऑलवेज मोस्टली वी आर सीइंग सींगट दे आर लिव दियर लाइफ एज द वेस्टर्न कल्चर्स मैक्सिमम वेस्टर्न कल्चर्स दे आर फॉलोइंग मोर देन यूजुअली, यूजुअली दे आर यूजिंग द वेस्टर्न कल्चर्स अब हमारे यहाँ क्राइम का बहुत बड़ा सीन है हम एडवाइस तो कर देते हैं वी आर ऑलवेज एडवाइस टू दैट यू फॉलो द इंडियन कल्चर्स यू आर जस्ट वायलेटिंग इंडियन कल्चर्स ट्रेडिशंस एंड ऑल दिस थिंग लेकिन क्या क्राइम इतना दुनिया भर का हो रहा है इंडियन कल्चर्स के अंदर क्राइम है क्या वाई वी आर डूइंग द क्राइम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर गिविन द लॉट ऑफ लेक्चर्स एडवाइस टू that यू फॉलो द इंडियन कल्चर्स सो why वी आर डूइंग द क्राइम क्राइम इज नॉट ए इंडियन कल्चर्स सो ये चीज़ भी हमने समझनी चाहिए कि क्राइम हमारा इंडियन कल्चर्स नहीं है और क्राइम बहुत ज़्यादा मिनटों में क्राइम हो रहे सेकेंड में क्राइम हो रहे हैं हमारे देश के अंदर सो so इन चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए भी एक अच्छे खासे टैलेंटेड अच्छी खासी सैलरी लेने वाले लोग अपने परिवार को सुरक्षित चाहते हैं उनकी बेहतरी चाहते हैं एंड दे आल्सो लीव देयर लाइफ पीसफुली इन्जॉय इन एब्रॉड बेटर देन इंडिया सो ये भी सारे रीज़न कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं इस ब्रेन ड्रेन टॉपिक में विच स्पेशली आई एम टॉकिंग हियर। इसके अलावा हमारे देश के अंदर डॉट्स डेकॉट्स में चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है सुरक्षा आपको पता है कैसी है डेकॉट्स की बहुत ज्यादा बहुत बड़े इशू हमारे देश के अंदर हैं और ऐसे लोग अच्छी खासी प्रॉपर्टी रखते हैं अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाउंडेशन बाउंड्रेश हमारे देश के अंदर बाय गवर्नमेंट एंड बाय सोसाइटी दोनों तरीके से boundaries ने कहीं ना कहीं आती हैं जिस वजह से ब्रेन ड्रेन होते हैं अब्रॉड के अंदर चाहे वो आप मैक्सिमम दुबई एंड कनाडा People are choosing this kind of the country where they get the feel of security, feel of freeness, feel of freedom. And after their job, they can take the enjoy whatever they want to do. After come back from their job, they can do whatever they want to do. So, such kind of the feeling also played very significant role to draining our mind from India. इसी के साथ आपने देखा होगा हमारी एटीएम बैंकिंग मेडिकल ये कुछ ऐसी मैं शब्द बोल रहा हूँ जहाँ पे यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय जस्ट मेक द क्यू फॉर द लॉन्ग आवर्स एंड वेस्ट ऑफ टाइम सो यहाँ पे ऐसी समस्याएँ हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है टाइम कंज्यूमिंग है और एक काम करने से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है परेशानी हो जाती है इन चीज़ों पे खड़ा रहना चाहे वो ए से पैसे निकालना हो बैंक से काम करना हो या मेडिकल कोई फैसिलिटी लेनी हो तो ये वर्क प्लेस से ज़्यादा टफ है इन चीज़ों पे खड़ा रहना या काम करवाना सो so, ऐसी भी कुछ नॉर्मल डेली यूज़ समस्याएं हैं जिनको ये लोग चाहते हैं कि हम रिलैक्स अपनी लाइफ को इन्जॉय करें जिए और वो बाहर चले जाते इसके अलावा जो टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छी खासी जॉब है अच्छी खासी इनकम है वो अपनी लाइफ को एक लग्जियस लाइफ जीना चाहते हैं अपने कामकाज की ज़िंदगी के साथ साथ सो तो हमारी देश के अंदर जो है सुविधाएं फैसिलिटी फैसिलिटीज़ आर नॉट बेटर देन दिस काइंड ऑफ द कंट्री विच दिस काइंड ऑफ द पीपल्स आर स्पेशली चूजिंग सो हमारे देश के अंदर ये भी बहुत फैसिलिटियाँ चाहे मैं अगर बोलूँ रोड की हो ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो मेडिकल हो या जुडिशरी पुलिसिंग सब कुछ वो भी फैसिलिटी कम है कंपेर्ड टू दिस कंट्री विज द स्पेसली दिज आर दिस द काइंड ऑफ पीपल्स आर चूजिंग टू गो देर सो ये चीज़ें भी हमने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन लोगों के ड्रेनिंग के लिए ब्रेन ड्रेन का एक पॉलिटिकली कारण भी होता है क्योंकि हमारी जो भी सिक्योरिटी एजेंसी हो जो भी एजेंसियाँ हैं जो भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिज ऑल आर डूइंग द वर्क अंडर द पोलिटिशन्स सो अगर ये पढ़े लिखे लोग व्यापारियों की तरह न इनको पैसा दे सकते हैं न इनका ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी बिजी इंडियर प्रोफेशनल्स और उनको अपने प्रोफेशनली से पढ़ लिख के वहाँ पर जिस भी सेक्टर में वो कहीं पर अच्छी रेपूटेशन जगह पे है रेपुटेड जगह पे हैं तो कहीं पढ़ लिख के होंगे एस कंपेयर टू बिजनेसमैन वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे सो so, वो इतना टाइम उनके साथ नहीं दे सकते हैं ना उनको सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज उनकी हार्डवर्क अपने टैलेंट के पैसे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकली भी डिस्टर्ब रहते हैं सो बेसिकली दे आर आल्सो डिसाइडिंग्स टू गो एब्रॉड फॉर टू लीव यर लाइफ पीसफुली एंड विदाउट ऑफ एनी डिस्टर्बेंस सो ये कारण हमारे देश से ब्रेनों को ड्रेन होने के हैं सो so, हमें इनपे भी काम करना चाहिए नाओ आई एम टेकिंग द पार्ट ऑफ इफेक्ट इफेक्ट अगर ये सारे ब्रेन वहाँ चले जाएंगे तो सी बात है हमारा डेवलपमेंट डेवलपमेंट में कमी आएगी टेक्नोलॉजी क्योंकि टेक्निकल हैंड तो सारे वहां जा रहे हैं टेकन, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कम होने लगेगी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कम होगा महंगाई बढ़ेगी जब ब्रेन हमारे वहाँ पे हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको महंगाइयों का भी सामना करना पड़ेगा कोई भी चीज़ जो है चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो व्हीकल्स हो चाहे वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो या मैकेनिकल सेक्टर से रिलेटेड हो या मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड से हो तो जाहिर सी बात है अगर वो बनेंगी कम ब्रेन कम होंगे तो कम बनेगी प्रोडक्शंस कम होगा प्रोडक्शन कम होगा तो उसका इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा क्योंकि कंजप्शंस तो हमारी पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली करेगी ही करेगी सो वी आर ऑलरेडी द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड सो डेफिनेटली आवर कंजशंस विल बी मोर देन ऑल सो हमारा कंजप्शन ज़्यादा होना जाहिर सी बात है तो so अगर टेक्नोलॉजी कम होगी कोई भी चीज़ है कम और कंजप्शन ज़्यादा है तो महंगाई अपने आप बढ़ना है प्रोडक्शंस वेदर प्रोडक्शंस विल बी लेस एंड कंजप्शंस विल बी मोर देन डेफिनेटली इन्फ्लेशन गो हाई सो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे देश के अंदर होगी एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में जो सुधार ये लोग करेंगे ब्रेन मैथ्स में इंडिया के स्टूडेंट्स लगभग बहुत अधिक हैं दोज आर वेल इनफ इंडियर मैथ्स सो ऐसे अगर मैथ्स के ब्रेन बाहर जाके काम करेंगे तो जाहिर सी है कहीं ना कहीं चाहे वो फिजिक्स हो मैथ्स हो केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी सेक्टर हो साइंस सेक्टर हो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो अगर ये पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छे टैलेंट है अच्छा एक पोटेंशियल्स है वो लोग बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी नुकसान होगा इंडस्ट्रियलाइजेशंस इंडस्ट्रियलाइजेशंस हमारा जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होगा चाहे मैं मेडिकल फील्ड की बात करूँ मेडिकल फील्ड बात करूँ आईटी सेक्टर की बात करूँ मैकेनिकल सेक्टर की बात करूँ इन सारे सेक्टर्स पे कमी आएगी क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस जो टैलेंटेड हैं वो तो बाहर जाके काम करेंगे तो इन सब में हमको महंगाइयों का सामना करना पड़ेगा कमी आएगी बेहतर नहीं होंगे अगर ये ब्रेन सारे बाहर जाएंगे तो हर फील्ड में नुकसान होगा हमको मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा तो शायद बहुत सारे मेरे को घंटे होंगे उसको एलोब्रेशन के लिए बट बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे फील्ड में ईच एंड एवरी वेयर वी आर समथिंग लूजिंग इन ऑल द फील्ड्स वी आर सफरिंग सम द प्रॉब्लम्स इफ दिस काइंड ऑफ द ब्रेन विल गो आउटसाइड सो हर क्षेत्र में इफेक्ट है इफेक्ट तो बहुत ज्यादा नुकसान ही नुकसान है इफेक्ट हमारी बैंकिंग सेक्टर्स कमजोर होगी हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होगी हर जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा अगर ये ब्रेन बाहर जाके काम करेंगे तो हमारे जो इसरो जो स्पेस एजेंसियां हैं वहाँ पे भी हमको जो इस फील्ड के माहिर हैं वो अगर बाहर जाके नासा में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको टेक्नोलॉजी हमारा डेवलपमेंट कम होगा सो so, इनके बहुत ज़्यादा नुकसान है दिस काइंड ऑफ द थिंग विच आई एम जस्ट टेलिंग हेयर ईच एंड एवरी वेयर वी आर सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉस इफ दिस काइंड ऑफ द ब्रेन विल गो आउटसाइड कंटिन्यू सो हेयर वी आल्सो रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क विच वी कैन स्टॉप देम ऑल टू गो आउटसाइड एंड प्रोवाइड दम गुड फैसिलिटी पे एंड पर सिक्योरिटी सभी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करें बेहतरी की कोशिश करें देन डेफिनेटली दे विल भी स्टॉप हेयर Now I am taking the part of solution. Brain drain की समस्या का solution कैसे किया जाए जैसे कि मैंने जो भी reason थे जो भी reason बताए उन रीजनों पे हम काम करेंगे तो सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा by the द गवर्नमेंट the द गवर्नमेंट एंड the by द इंडिविजुअली solutions. इन ब्रेन ड्रेन जो हो रहे हैं ब्रेन वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिट बनती है देन एटलीस्ट दैट यू हैव टू थिंक अबाउट योर कंट्री डेवलपमेंट आपको भी सोचना चाहिए कि हम हमारा हमारे देश का विकास हमारे हाथ में है ऐसे दिस काइंड ऑफ पीपल आल्सो हैव रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट इट ऑल हमारी जनरेशंस को जो फैसिलिटी मिल पाएगी उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए बिकॉज एटलीस्ट दैट यू आर बिलोंग टू दैट कंट्री

और ये जो फॉर्मल्टियाज हैं वेस्टलेस फॉर्मलिटीज़ जो हैं पेपर वर्क ज़्यादा है टाइम कंजुम्सन ज़्यादा है अपनी प्रॉपर्टी रखनी और लाइफ जीने की एक फ्रीडम हो तो जाहिर सी बात है ये लोग बाहर नहीं जाएंगे एंड वी विल पॉसिबल टू स्टॉप देम हेयर तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा भी हैं और समाज के द्वारा भी हमारे आसपास कोई ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल है जो अच्छी पैसे कमाते हैं अच्छा टैलेंट है अच्छी जॉब है देन सो सोसाइटी आल्सो प्ले द सिग्निफिकेंट रोल टू स्टॉप देम ऑल इफ दिस काइंड ऑफ द एजुकेटेड टैलेंटेड पीपल्स आर इन्जॉइंग देयर लाइफ लिविंग देयर लाइफ एज अकॉर्डिंगली सो ऐसी चीज़ों पर भी हमने ध्यान देना चाहिए डेफिनेटली वी विल पॉसिबल टू स्टॉप देम ऑल टू ड्रेनिंग्स इन टू आर्ड द एब्रोड कंट्री एंड आवर कंट्री विल बी द फुल ऑफ ब्रेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन्स सो ये एक ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है ब्रेन वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर टू डू द वर्क फॉर आवर कंट्री और गवर्नमेंट आल्सो हैव रिक्वायर टू डू सम दर्क फॉर टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ the brain those are going to abroad for to doing the work for to get the pay and perk freedom and so on so humne in sab pe kaam karna and friend i just you know describe these all the topic as accordingly in the structural way so you also keep in mind definitely you will not be forgets any point thank you so much for watching my video jahin